शमसाबाद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान देवा गैंग के दो सदस्यों को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों बदमाशों से अवैध असलाह भी बरामद हुए हैं। दोनों बदमाश शातिर किस्म के हैं, कई बार लूट फिरौती और अपहरण जैसे मामलों में जेल भी जा चुके हैं। आगरा पुलिस के लिए नासूर बन रहे देवा गैंग पर शमशाबाद पुलिस अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। पूर्व में भी शमशाबाद पुलिस द्वारा इस गैंग के कई सदस्यों को जेल भेजा जा चुका है। थाना अध्यक्ष शमशाबाद अरविंद कुमार निर्वाल के नेतृत्व में एक टीम हितेश कुमार आजाद दारोगा, विजय राज सिपाही और सत्येंद्र सिपाही के रूप में गठित की और अपनी इस टीम को आगरा रोड स्थित गढ़ी जहां सिंह पर वाहन चेकिंग के लिए भेज दिया गया। थाना अध्यक्ष की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध दिखने पर एक मोटरसाइकिल पर जा रहे दो युवकों को चेकिंग के लिए रोक लिया। पुलिस को देख बाइक सवार दोनों युवक पीछे भागने लगे। इसी दरमियान हितेश कुमार आजाद ने अपनी टीम के साथ दोनों शातिरों को दबोच लिया। पुलिस द्वारा दोनों दबोचे गए शातिरों की तलाशी लेने पर दो अवैध पिस्टल बरामद की और पूछताछ करने पर बताया कि क्षेत्र में अप्रिय घटना को अंजाम देने जा रहे थे। थाना अध्यक्ष शमशाबाद अरविंद कुमार निर्वाल ने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाश देवा गैंग के सदस्य हैं। पूर्व में भी कई अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। लूट, डकैती, छिनैती के अलावा अपहरण, हत्या जैसे मामलों में जेल भी जा चुके हैं, जो कि शमशाबाद क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने जा रहे थे, तभी वाहन चेकिंग के दौरान दोनों शातिर बदमाशों को दबोच लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। शमशाबाद से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।